हेलो, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन गार्डन। दोस्तों, मुझे बहुत पहले एक फरमाइश आई थी कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है गमले के लिए, उस पर एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें थी नहीं उस समय, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं लगभग, तो अब मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब आप गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। लेकिन जो एक मेन बात होती है वो ये होती है कि हमें अपनी मिट्टी को ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें मिलानी है जो उसके पोषण को, उसके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व को शामिल कर सके। तो इसीलिए वैसे कहते हैं कि 60% मिट्टी और बाकी जो खाद और आप अन्य चीज़ें डाल रहे हैं उसका रेशियो बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप जैसे पहले कोकोपीट का ज़्यादा चलन नहीं था, तो लोग कोकोपीट नहीं डालते थे, केवल मिट्टी और खाद मिलाकर हो जाता था। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें और उसमें ऐड हो गई हैं कि हम मिट्टी की मात्रा कम कर लें या थोड़ा सा उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा लें तो भी ये चल जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक तो गमले के लिए मिट्टी कैसे आपको तैयार करनी है ये बताऊंगी, दूसरा उसी से मिलता जुलती एक और चीज़ भी क्लियर करूंगी कि बहुत बार ये होता है कि हमारे पास मिट्टी होती है, हम नर्सरी से नहीं लाते, हमारे पास होता है गमले में मिट्टी और हमने उसमें कोई सीजनल प्लांट लगाया होता है। वो छः आठ महीने में सीज़न उसका ख़त्म हो जाता है, तो हमारा गमला खाली हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो उस जो मिट्टी उस पॉट में थी उसे हमें रिचार्ज कैसे करना है, उसका तरीका भी सेम है। इसलिए इन दो चीज़ों को मैं आज एक वीडियो में बनाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी मिट्टी है, आप नर्सरी से नहीं लाए, आपके पास है मिट्टी, उस मिट्टी को आपको रिच कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप ये गमला देख रहे होंगे, इस गमले में मैंने एक बेल लगाई थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है बेल। तो मैंने दो दिन पहले इस गमले को खाली किया और इसकी मिट्टी को सुखा दिया, ज़मीन पे फैला दिया, तो वो सूख गई। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जब हो जाता है। तो ये वही मिट्टी है जो मैंने इस गमले के अंदर थी और इसे मैंने दो दिन तक अच्छे से सुखाया और अब ये बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है, बिल्कुल सूख चुकी है। जब मैंने निकाली थी उस समय गीली थी। तो ये है। और अगर आप गमले के लिए नर्सरी से भी मिट्टी लेकर आए हैं तो भी मान लीजिए ये वही मिट्टी है जो आप नर्सरी से लेकर आए हैं। अब हमें इसे बनाना है रिच। तो रिच बनाने के लिए हम इसमें क्या क्या डालेंगे, अब उस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये है कोकोपीट। कोकोपीट का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में होने लगा है, ख़ासतौर से जो किचन गार्डन है या गमले के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसकी वजह यह है कि वेट में आप देखिए कितना हल्का है, ये बहुत ज़्यादा हल्का है। ये गमले के वेट को कम थोड़ा हल्का बनाता है और मिट्टी को जमने नहीं देता। आप पानी डालते हैं तो ईजिली नीचे चली जाती है, तो मिट्टी को ही भुरभुरा बनाता है। तो हम इसमें सबसे पहले मिलाएंगे कोकोपीट। कोकोपीट मिलाने के बाद ये है गोबर की खाद, लगभग इतना हमने डाल दिया। ये है मेरा किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, से भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये बर्मी कंपोस्ट, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये लगभग एक मुट्ठी के करीब है राख, ये कीटनाशक है इसलिए हम इसे मिट्टी के साथ ही मिला देंगे। तो ये थोड़ी सी एक मुट्ठी के करीब राख हो गई है। अब इन पूरे मिश्रण को हम अच्छे से मिलाएंगे मिट्टी में। ये अच्छे से आप हाथ से, खुरपी से, जिससे चाहे आप मिला सकते हैं। तो ये आपका फिर से एक रिच पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है। इसे आप अपने गमले में डालिए और फिर से एक नया पौधा उगाइए इसमें। तो अब हमें इसे अपने गमले में डालना है। गमले में डालने का मैं पहले भी कई बार तरीका बता चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा उसके लिए फिर से बता रही हूँ। ये हमें ऐसा टुकड़ा लेना है किसी पुराने गमले का, और जो ये नीचे होल होता है गमले के नीचे, इस पर रख देना है। हमने बिल्कुल सेंटर पे इसके इसे रख दिया है। और जब हमने ये मिक्स तैयार किया है, इसे हम अपने गमले में डाल देंगे। दोस्तों, हमें अपने गमले को कितना भरना है ये भी ज़रूरी होता है। अब जैसे मैंने इतना भरा है,
तो आप ये देखिए, आपका जो हाथ का ये एरिया होता है ना, ये उंगलियों वाला, यहाँ से उंगलियाँ शुरू होती हैं, उतना आपको इसकी, अगर आपका ऐसा बड़ा गमला है तो आपको इतना एरिया छोड़ना है। और ये एरिया हम क्यों छोड़ते हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं कि जैसे अभी हमने मिट्टी डाली है, अभी इसमें पानी पड़ेगा तो ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा आधा इंच के करीब नीचे भी जाएगी, और इसमें फिर हम गुड़ाई के, जब पौधा लगाएंगे तो गुड़ाई करेंगे, फिर हम बार बार इसमें खाद भी डालेंगे, तो हमारे पास उतना स्पेस होना चाहिए कि हम 15-20 दिन में अगर इसमें खाद डाल रहे हैं तो उसमें जगह हो। दूसरी बात ये कि जब हम इसमें पानी डालेंगे, बड़ा गमला है तो पानी को रहने के लिए भी तो स्पेस चाहिए, हम पानी डालें वो गमले से बह जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हम पानी के लिए, और जो अतिरिक्त खाद हम टाइम टू टाइम डालते हैं उसके लिए हम इसे करते हैं। तो ये तो आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हमें अपने पुराने गमले की मिट्टी को कैसे रिचार्ज करना है, उसे फिर से गमले में कैसे तैयार करना है, और अगर हम नर्सरी से मिट्टी लेकर आते हैं तो हमें अपनी मिट्टी को किस तरह से तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए गार्डन गार्डन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।